ऑस्टर्ड ने विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को आपस में संबंध बताया कि जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहीं पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो किस हिसाब से विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, इसके लिए एक राइट हैंड थंब रूल बनाया गया, अर्थात दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या बताया गया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में संबंध बताया गया। तो जब राइट हैंड थंब रूल, जैसे ये देखिए, जब अंगूठा ये अंगूठा जो है वो धारा की दिशा दर्शाता है और ये उंगलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो जब करंट इस हिसाब से अंगूठे के डायरेक्शन में बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र ये उंगलियों की दिशा में फ्लो होता है। तो इस हिसाब से जब हम इसको रखते हैं तो करंट के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। किस तरीके से हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब हम करंट को इस हिसाब से कर देते हैं, दिशा बदल दी, तो ये क्लॉकवाइज हो गया चुंबकीय क्षेत्र। किस प्रकार का हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। यही चीज दिखाई जा रही है इसमें। जब करंट इस तरीके से बह रहा है तो ये एस इस तरह से विक्षेपित हो गया, एन नीचे आ गया। जब हम करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो एन ऊपर चला जाएगा, एस नीचे आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, और ये स्थिति कब प्राप्त होती है? जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तब ये प्राप्त होती है। इस प्रकार से धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के तहत समझ पाएंगे हम लोग? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा समझ पाएंगे। जब धारा नीचे से ऊपर की ओर बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होगा। ठीक है? जब धारा की दिशा इस प्रकार से होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा?